आपके और राजवीर के रिश्ते के बीच में क्या प्रॉब्लम है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ हमें इतना जरूर पता है अगर हम यहाँ नौकरी करेंगे तो हमारी परिवार की जिंदगी को खतरा है। लेकिन बुलबुल, तुमने तो कहा था मैं सब कुछ संभाल लूंगी, याद है तुम्हें? सब याद है सर, लेकिन तब हम ये नहीं जानते थे कि राजवीर के अंदर की आत्मा मर चुकी है। हमारा फैसला नहीं बदलेगा सर, ये रहा हमारा इस्तीफा। हमें माफ कर दीजिए। अरे ओ पहलवान उर्फ पीए मैडम, अच्छा हुआ तो हमें यही मिल गई। कल जो हमने समाज सेवा का काम किया था उसका बिल देना था एनजीओ में। अब शादी हुई है तो उसका खर्चा तो पास हो जाएगा ना। हम मानते हैं कि नारायण जी के आने से प्लान थोड़ा बदल गया, पर खर्चा तो हुआ है। एनजीओ का तो पता नहीं, लेकिन एक बाप अपने बेटे की शर्मनाक हरकतों को छुपाने के लिए बिल जरूर भरेगा। जो बिल है ना वो सीधा अपने पिताजी यानी कि शुक्ला जी के हाथ में दे देना। क्योंकि हमने आज से ये नौकरी छोड़ दी। पहलवान, तुम तो हमारे पहले ही वार से चारों खाने चित हो गए। डर गई क्या? डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, फिक्र जरूर करते हैं अपने परिवार की। वो क्या है ना राजवीर, हमारी माँ ने हमें अपनों से प्यार करना सिखाया और ये नौकरी हमारे परिवार की सुरक्षा से बढ़कर नहीं है, इसलिए अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। पहलवान, वैसे तो हमें तुम्हारी कोई भी बात पसंद नहीं है, पर ये तुम्हारी माँ वाली बात में हमारा दिल छू गया। प्यार तो हम भी बहुत करते हैं अपनी माँ से। प्यार और तुम तो प्यार का मतलब तक नहीं समझते हो। प्यार क्या करोगे, जिसे तुम प्यार समझते हो ना वो तुम्हारी जिद है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर तुम सच में अपनी माँ से प्यार करते ना तो तुम दूसरों की माँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते।